संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के तीसरे दिन जोधपुर से पधारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने व्यासपीठ से शिव पार्वती विवाह प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पत्नी को सधर्मिणी कहा जाता है। पत्नी अपने पति के आयुष के लिए करवा चौथ, तीज आदि अनेक व्रतों का अनुष्ठान करती है। शिव पार्वती के विवाह उपरांत पार्वती की माता मैना पार्वती को सीख देती हैं कि पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, परंतु इसी प्रकार पुरुष के लिए भी पत्नीव्रत धर्म है। पति अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य को वह स्थान ना दे जो पत्नी का है। पत्नी के संबंध की ईमानदारी ही पत्नीव्रत धर्म है। पत्नी को पतिव्रत धर्म के पालन से यदि वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो पति को भी पत्नीव्रत धर्म से पालन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस मौके पर कथा व्यास श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने कहा, अब आई करुणा निधान, कुछ वस्तुएं, कुछ सामान, यद्यपि हिमाचल राज को पता है कि शंकर भगवान पूर्ण काम, माने जिनका जिनको और कोई चीज से काम ही नहीं है, और कोई वस्तु से काम ही नहीं, ऐसे शंकर भगवान इनको मैं क्या दूं। अनेक लोग दहेज देने से पहले दूल्हे से संपर्क कर लेते हैं कि क्या क्या चीज, गाड़ी लेने का विचार है आपको, कौन सी गाड़ी पसंद है आप बता दो, कहीं तो साथ ले जाते, कोई मोबाइल लेने का विचार है आप बता दो कौन सा मोबाइल लेंगे आप, और कभी कहते हैं भाई एसी देना तो आप कमरे में वो तार निकाल के रखना ताकि हम वो कर देंगे, ऐसे पहले ही संपर्क कर लेते हैं वो, और संपर्क करके वो संपर्क। लेकिन अब शिव जी से क्या पूछे, घर हो तो एसी का पूछे, और गाड़ी में बैठने की जानकारी हो तो गाड़ी का पूछे, और दूसरी चीजों का कुछ कोई भूमिका हो तो पूछा भी जाए, कोई भूमिका हो तो पूछा भी जाए, क्या करें। तो इसलिए महाराज जो बन पड़ा सामने रख, जी रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, सहेलियां सब, भैया आजकल तो इतना रोते हैं, लोग थके हुए बेचारे सो जाते हैं, रोए क्या। तो लेकिन पहले बहुत रोते, लेकिन इतना, और कई बार तो बारातियों में से कईयों की आंखों में आंसू आ जाते, बारातियों में से कई लोग रोने लग जाते, ऐसा कारुणिक वातावरण बन जाता, पर दूल्हा तो लेकिन हमारे शंकर भगवान तो भाई सासू जी को रोता हुआ नहीं देख सके थे। तो एक जगह तो जाने लगे क्यों, अरे कैसे किसी को ऐसे दुखी देख, बहु विधि शंभु सासु समझाए, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया, सासू जी का मन थोड़ा हल्का हुआ, फिर घर में गई और घर में जाकर के और पार्वती जी को गोदी में बिठा के कह रही है, उस जमाने में बेटियां इतनी होती थी, शादी के समय बेटियों की उम्र इतनी होती थी गोदी में बिठा सके, विदाई के समय हर माँ बेटी को गोद में बिठा के सीख देती, बेटी की हाइट इतनी होती थी कि माँ का कान बेटी क्षमा करे माँ का जो मुख है वो बेटी के कान तक पहुंचे, ये साइज रहती थी बेटी। अब तो बहुत बाद में देरी से शादी होने लगी, बाल विवाह को अपराध भी मानने लगे। तो श्री मैना रानी पार्वती जी को समझाती है, करे वो सदा शंकर पद पूजा,
शंकर भगवान की पूजा करो। वैसे तो ये शंकर भगवान के प्रति समर्पित ही है, इनको क्या बताने, तो ब्याह से पहले ही शंकर भगवान की पूजा कर रही है। लेकिन फिर भी माँ का कर्तव्य है बेटी को विदाई के समय सीख देना। अगर किसी अन्य पुरुष में जावे तो वो पुरुष सिर्फ नंदनंदन होने चाहिए, रघुनंदन होने चाहिए।